हम बजाएंगे थाली अपनी एकता की। गरीबों के दिल पे क्या बीत रहा है वो सरकार से पूछो। नहीं देंगे वोट, कोई देगा तो देगा, मैं नहीं दूंगी, चाहे मैं मर जाऊं मैं दूंगी नहीं वोट, मैं दूंगी नहीं, ये सरकार को मैं वोट ही नहीं दूंगी। कि भाई उनको प्लॉट दे दिए जाए और उनसे आज के रेट के पैसे ले लिए जाए, जिस जहां पे वहीं पे उठाई कर दिए जाए वहीं, और कोई रास्ते में अगर कोई आता है तो उसको दूसरे की जो बचेगी उसमें से दे दी। फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में हुई भारी तोड़फोड़ पर हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि ये गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ पर बसे लोगों ने पैसे देकर इस जमीन को खरीदा है तथा ये अरबों रुपयों का घोटाला है, इसकी जाँच होनी चाहिए। जो तोड़फोड़ हो रही है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे पैसे दे के जमीनें खरीदी हैं उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है, उनको तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने बेची है उन पे उसकी पलंटी होनी चाहिए। और अगर सरकार इस पर निर्णय को ले, एक्शन ले इस पर, और अगर नहीं ले पाती है तो CBI को दे। उन्होंने कहा कि चौटाला सरकार में जब वे मंत्री थे उस समय भी ये प्रस्ताव आया था कि इस ज़मीन को खाली कराया जाए। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि क्यों ना इन लोगों से इस ज़मीन के पैसे लेकर इस कॉलोनी को पक्का कर दिया जाए, जिससे सरकार को उसकी ज़मीन का पैसा भी मिल जाएगा और ये गरीब लोग उजड़ने से बच भी जाएंगे। आप मंत्री थे चौटाला सरकार के अंदर, उस समय एक प्रपोजल आपने दिया था, तो वो क्या प्रपोजल था? वो भी यही प्रपोजल था कि उस टाइम भी जो सरकार ने निर्णय बनाया था कि भाई जितनी सरकारी ज़मीनें हैं वो खाली कराई जाए, लेकिन मैं भी उस मीटिंग में था, मैंने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि भाई मुख्यमंत्री जी ये लोग जो है सब बर्बाद हो जाएंगे, और जिनने 20-20, 30-30 लाख रुपए मकानों में लगा रखे वो बेकार हो जाएंगे, क्यों ना उन्हीं से प्लॉट के पैसे लेके उनको दे दिया जाए, क्योंकि बैंक भी उनको लोन दे देगा जब अप्रूव्ड प्लॉट उनके हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की समझ में ये बात आ गई और उनने सारे अफसरान को ये ऑर्डर दिया था कि भाई इस पर जो है आप एक्शन लें और इस काम को करके मुझे बताएं, लेकिन उस टाइम सरकार के दौरान ये हो नहीं पाया और अगली सरकारों ने फिर इसको किया नहीं, तो क्यों ना ये सरकार इस काम को कर दे। अच्छा, जो अब BJP सरकार है, हाँ, जो BJP हमारी सरकार है, क्यों ना इस काम को कर दे जो उस टाइम नहीं हो पाया, कि लोगों से पैसे ले लिए जाए और उनको सबको ऑथराइज कर दिया जाए, उनको लोन मिल जाएगा, सरकार के पैसे आ जाएंगे और कोई भी अनऑथराइज मकान नहीं रहेगा। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि फरीदाबाद में काफ़ी झुग्गी झोपड़ियां हैं, आज सभी झुग्गी झोपड़ियां शहर के अंदर आ चुकी हैं, उन सभी पर इस सुझाव को भाजपा सरकार को लागू कर देना चाहिए ताकि तोड़फोड़ की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। बता दें कि वर्तमान में करतार सिंह भड़ाना भाजपा में शामिल हैं और एक बार फिर उन्होंने अपनी सरकार को इस सुझाव को मानने की सलाह दी है। फरीदाबाद के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।